नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाया रोट का महाप्रसाद सभी देव प्रतिमाओं और ब्रह्मलीन नाथ योगियों की समाधि पर। सीएम योगी ने किया पूजन। शुभकामना संदेश में कहा, सब ले अपने गुरु का आशीर्वाद, वितरित हुआ महाप्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। 150 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल हुए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संतों का सम्मान। कहा, अवसर को अनुकूल बनाकर चलने पर मिलती है सफलता। जो अच्छा सोच नहीं सकते वो अच्छा कर भी नहीं सकते। युगांतकारी घटना से जुड़कर प्रेरणा देते हैं सनातन संस्कृति के पर्व त्योहार। गुरुवार को कोटेदारों को सीएससी के रूप में सक्षम बनाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित होगी एमओयू। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कोटेदारों संग संवाद करेंगे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा महानगर इकाई द्वारा प्राचीन हनुमान मंदिर में संतों को माला एवं पटका पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर किया गया सम्मानित। कहा, सनातन संस्कृति के गौरव का दिन है गुरु पूर्णिमा का पर्व। धार्मिक स्थलों व परंपरा के संवाहक धरोहरों का हो रहा है विकास। 6,01,00,000 की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। दो शातिरवान चोरों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 3 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। श्रावण पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग गोरखपुर से अयोध्या के लिए चलाएगा 10 बस। बढ़लगंज देवरिया पिपराइज के लिए भी चलेगी अनुबंधित बसें। परिवहन विभाग के एआरएम ने दी जानकारी। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, गुरु और वृक्ष दोनों देते हैं जीवन और छाया। और महादेव झारखंडी शिव मंदिर में 14 जुलाई को शुरू हो रहे श्रावण मास की तैयारियां हुई पूरी। पुजारी शंभु गिरी ने कहा, भोलेनाथ के आस्था में लोग दूर दूर से चढ़ाने आते हैं जल, नहीं करते हैं निराश भोलेनाथ, सबकी पूरी करते हैं मनोकामना। अब खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ का विशेष पूजन कर उन्हें रोट का महाप्रसाद चढ़ाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी गुरुओं और मंदिर परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों का विधि विधान के साथ पूजन किया। उन्होंने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गुरु पूर्णिमा के संदेश में कहा कि हमें गुरु का पूजन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नाथ पंथ के आदि गुरु बाबा गोरक्षनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा को परंपरागत महारोट का प्रसाद चढ़ाकर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनकी पूजा की। उसके बाद वह परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। वह बारी बारी से बाबा गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ समेत ब्रह्मलीन गुरुओं की समाधि पर गए। सभी का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परंपरागत पूजन कर आशीर्वाद लिया।
पूजा अर्चना की अनुष्ठानिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री की अगुवाई में गुरु पूर्णिमा पर होने वाली परंपरागत महाआरती हुई। सभी गुरुओं के प्रति आस्था निवेदित की गई। सभी नाथ योगियों ने भी गोरक्षपीठाधीश्वर का नाथ परंपरा अनुसार आशीर्वाद लिया। घड़ी, घंट और शंख की मंगल ध्वनियों के बीच मंदिर के ब्राह्मण बालकों एवं पुरोहितों का स्वर उच्चार, मंत्रोच्चार का पाठ अलौकिक श्रद्धा एवं भक्ति का एहसास करा रहा था। यह सिलसिला सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चला। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर देश को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। सनातन संस्कृति में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य की सुदीर्घ परंपरा है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा की तिथि पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान बताया गया है। गुरु शिष्य को रचता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु शिष्य की रक्षा करता है, इसलिए वह विष्णु है। गुरु शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है, इसलिए वह साक्षात महेश्वर है। हमें गुरु पूजन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जीवन में गुरु के महत्व से भावी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह पर्व आदर्श है। गुरु पूजन का यह पर्व हमें सद्मार्ग पर ले जाने वाले उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को नई राह दिखाई। दोपहर में गोरक्षपीठाधीश्वर के निर्देशन में मुख्य भंडारा, अन्य क्षेत्र, तिलक हॉल एवं मठ के प्रथम तल स्थित हॉल एवं हिंदू सेवाश्रम में भंडारा आयोजित हुआ। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धा भाव से जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शहर के नागरिक समेत विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने हजारों की संख्या में सहभोज ग्रहण किया। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी स्वयं भ्रमण कर सभी जगह इंतजाम का जायजा लेते हुए लोगों का कुशल क्षेम पूछ रहे थे। Thank you.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 800 फरियादी पहुंचे थे, जिनमें से 150 फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। वहीं जनता दरबार में फरियादियों के साथ आए छोटे बच्चे से भी मुख्यमंत्री ने बात की और अपने हाथों से चॉकलेट दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अधिकतर मामले जमीन संबंधित आए थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई फरियादी किसी अधिकारी के पास अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसके समस्या का समाधान किया जाए, जिससे फरियादी को यहां ना आना पड़े, क्योंकि फरियादी गोरखपुर के अलावा प्रदेश के कई जनपदों से आते हैं, जिससे उनको बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे पूर्व योगी मंदिर का भ्रमण करते हुए गौशाला पर पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को अपने हाथों से गुड़ खिलाया तथा प्यार और दुलार किया। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके सिंह पे भी तेल तो लगा दो। ये वाला तेल वो मंगा दिया। नंदी, का है, का है, का है? अकेले है इसलिए नाराज है रे? हैं? अरे, का है नाराज है रे? हैं? का है नाराज है? गोरखपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में अवसर सबको मिलता है, उन अवसरों को सकारात्मकता के साथ अपने समाज व देश हित के अनुकूल बनाकर आगे बढ़ने वाला ही सफल होता है। यदि किसी समस्या का समाधान करना है तो सकारात्मकता यानी अच्छी सोच होनी चाहिए। जो नकारात्मक है, अच्छा सोच नहीं सकते तो वो अच्छा कर भी नहीं सकते। सकारात्मक व्यक्ति समाधान का रास्ता बनाता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति समाधान ना होने के बहाने गिनाता है। गोरखपीठाधीश्वर गुरु पूर्णिमा पर्व पर बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को गुरु की तरह जीवन का व्यवहारिक आशीर्वाद ज्ञान देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारे सनातन संस्कृति में पर्व त्योहारों की विशिष्ट परंपरा किसी न किसी विशिष्ट व युगांतकारी घटना से जुड़कर हमें प्रेरणा देती है। श्री रामनवमी, वासंतिक नवरात्रि, शिवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दीपावली, मकर संक्रांति, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सावन में पावन ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक, नागपंचमी आदि पर्वों से जुड़ी युगांतकारी घटनाओं की जीव सृष्टि के संरक्षण तथा मानव कल्याण में बड़ी और स्मरणीय भूमिका रही है। ऐसा ही प्रमुख व पावन पर्व गुरु पूर्णिमा भी है। गोरखपीठाधीश्वर ने आदि गुरु वेदव्यास को नमन करते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास जी की जयंती व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध कर सर्वसुलभ बनाने में युगांतकारी ऋषि वेदव्यास जी का अनिर्वचनीय योगदान है। उनके ग्रंथ मानव सृष्टि पर बड़ी कृपा है।
गुरु के रूप में वेद व्यास जी के प्रति श्रद्धा व सम्मान में किसी भी आयोजन में व्यास की गद्दी सर्वोच्च गद्दी मानी जाती है। गीता में भी श्रद्धा की दृष्टि का उल्लेख किया गया है। कहा भी जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन में 5 श्रेणी के गुरुओं का उल्लेख किया है। ये गुरु हैं माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, शिक्षा गुरु व दीक्षा गुरु। ये सभी किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन कर हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से जुड़ रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमें शताब्दी वर्ष अर्थात अगले 25 वर्ष के लिए लक्ष्य बनाने और उसके अनुरूप कार्ययोजना बनानी होगी। हमारा लक्ष्य आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को वैभवशाली और समृद्धतम देश बनाने का होना चाहिए। जैसे हम अभिभावक के रूप में अपने बच्चे के लिए लक्ष्य को लेकर सजग रहते हैं, वही भावना देश के प्रति भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसान, नौजवान, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, कलाकार, अधिवक्ता, व्यापारी सभी अपने क्षेत्र में अटूट निष्ठा व ईमानदारी से कार्य कर देश के लक्ष्य प्राप्ति में योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों की जयंती पर भी विशिष्ट आयोजन होने चाहिए। उन्होंने काकोरी, चौरी चौरा क्रांति, डोहरिया के आंदोलन आदि के सविस्तार उल्लेख के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति में रानी लक्ष्मीबाई, बंधु सिंह, मंगल पांडे, धन सिंह गुर्जर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकउल्लाह खां आदि बलिदानियों के योगदान की चर्चा भी की। कहा कि हमें आज़ादी का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि पराधीन भारत में इतने बड़े पैमाने पर आयोजन करते तो ब्रिटिश सरकार अन्याय व अत्याचार पर उतारू हो जाते। आज़ादी के इन दीवानों के सपनों को साकार करने को यादगार कार्यक्रम करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक हर घर पर आन बान सम्मान का प्रतीक तिरंगा लहराएगा। इस दौरान सप्ताह भर सेनानियों की याद में अनेक आयोजन भी होंगे। हम सभी को राष्ट्र निष्ठा के साथ इन आयोजनों से जुड़कर अमृत महोत्सव को सार्थक बनाना होगा। तिरंगा, संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सिर्फ प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण प्रेरणा है और इनका सम्मान हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आज़ादी की लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में परंपरागत उद्यमों को बढ़ावा देकर हम आत्मनिर्भर भारत की पीएम मोदी की संकल्पना को साकार करने में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों के परंपरागत उद्यमों को रोजगार के व्यापक फलक पर ले जाने को राज्य सरकार ने ODOP की शुरुआत की है। गोरखपुर की ODOP में शामिल टेराकोटा आज एक गांव से निकलकर वैश्विक पहचान बना रहा है। तकनीकी से जुड़कर स्वदेशी स्वावलंबन का बड़ा आधार बन रही है। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल पहले तक जुलाई माह शुरू होते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता इंसेफलाइटिस को लेकर सशंकित रहती थी। प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत इंसेफलाइटिस से हो जाती थी, पर सरकार ने व्यवस्थाएं की और टीम वर्क से इंसेफलाइटिस पर 95% तक नियंत्रण पा लिया गया है। उन्होंने इस टीम वर्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वास्थ्य समेत अनेक विभागों के समन्वित प्रयास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता जागरूकता के योगदान की सराहना की। गुरु पूर्णिमा उत्सव में अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज व गुरु राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के चित्र पर पुष्पार्चन के बाद सीएम योगी ने संतों व आचार्यों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाटन के महंत मिथिलेश नाथ, चचाई राम मठ के महंत पंचानन पुरी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर UP सिंह शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामानुज त्रिपाठी, डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित कुमार मिश्र, अभिषेक पांडे, दिग्विजय शुक्ल, डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व पुरुषोत्तम चौबे को योगी कमलनाथ ने सम्मानित किया।
कार्यक्रम के दौरान मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, क्षेत्रीय अध्यक्ष और गोरखपुर जिला के महानगर अध्यक्ष भाई राठौर, उसके पश्चात प्रधानाचार्य और मीडिया के लोग वहां पर अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही हम पर्व है गुरु की महिमा महाराज के मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं। आचार्य गोय के ब्रह्मदेव महंत विजयनाथ जी महाराज के चरणों में और राष्ट्र संत महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज के चरणों में कृष्णांजलि अर्पित करते हुए दूसरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आसन ग्रहण पूज्य संतों का और हमारे आचार्यों का उसमें बहुत ही विशाल और बहुत गहरा ही यह संप्रदाय में जो गुरु की परंपरा है आपको देखने को मिलता है। तत्पश्चात कितनी बड़ी आज हमें यह आश्वासन मिली हुई है, आप सभी स्वागत करें। स्वागत परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आप शिक्षा परिषद के जिन्होंने अपने पूरे जीवन योगी के रूप में अपने गुरु के रूप में जीवन व्यतीत किया है, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा स्वागत एवं वंदन। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह द्वारा और गोरखपुर योगी कमलनाथ जी, कालीबाड़ी के महंत जी श्री रविंद्र दास जी, चचाई गांव के श्री महंत श्री पंचानंद मोदी जी, देवपाटन मंदिर के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी और जिन्होंने अनुराग सिंह जी, सभी यहां पर उपस्थित संतजन आचार्यगण, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, भैया देखिए अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारीगण, जो राकेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक टीम यहाँ पर पूर्वाहन 10 बजे से ही आज के इस कार्यक्रम की शोभा को और भी शोभायमान कर रही है। उनके साथ के सभी कलाकार और गोरखपुर के सभी श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबका हृदय से देखते होंगे कि पर्व और त्योहारों की विशिष्ट परंपरा है। हर एक त्योहार को भारत के सनातन धर्म ने किसी विशिष्ट घटना के साथ जोड़ करके उस घटना को आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे प्रेरणादायी बनाया है, ये हमारे पर्व और त्योहार या सनातन धर्म की परंपरा में आयोजित होने वाले आयोजन उसके उन सब की पुष्टि करते हैं। आप देखते होंगे अलग अलग पर्व और त्योहार है। हम रामनवमी के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, हम बासंती नवरात्रि के साथ भी जुड़ते हैं,
पूरा एक पक्ष हम पवित्र नदियों से जलाभिषेक करके पावन ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करने के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ते हैं। शारदीय नवरात्रि के साथ या शिवरात्रि के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन, विजयादशमी, दीपावली, होली, मकर संक्रांति यानी पर्व और त्योहारों की लंबी परंपरा है। नागपंचमी का भी आयोजन होता है। ये जितने भी आयोजन हैं, इस सृष्टि से जुड़े हुए किसी युगांतरकारी घटना से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसने मानव कल्याण के मार्ग में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। या जीव सृष्टि की रक्षा में, उनके संरक्षण में जिन घटनाओं ने अपना योगदान दिया, वे किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में हम सबके लिए स्मरणीय हो गए। ऐसे ही भारत की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। मुख्य रूप से हमने आदि गुरु के रूप में वेद व्यास को सम्मान दिया। उनकी पावन जयंती की जो तिथि है वह व्यास पूर्णिमा है और व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के प्रति हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा किसी न किसी से प्राप्त करता है। अपने माता पिता से प्राप्त करता है, अपने बड़े भाई बहन से प्रेरणा प्राप्त करता है, अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करता है, अपने स्कूली शिक्षक से प्राप्त करता है, या फिर अपने दीक्षा के गुरु से प्राप्त करता है। यानी उसके जीवन में माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्गों के साथ ही शिक्षा गुरु का भी और दीक्षा गुरु का भी उसके जीवन को बनाने में, उसको सजाने संवारने में अपना योगदान होता है। वो एक राह दिखा सकता है और वह राह उस व्यक्ति को तय करना होता है कि उस राह पर कैसे और कितनी दूरी की यात्रा वह आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा की तिथि ही हमारी गुरु पूर्णिमा है। हम सब जानते हैं भारत का जो भी वैदिक ज्ञान है उसको लिपिबद्ध करने, हम सबके लिए सर्वसुलभ बनाने के लिए जिस एक युगांतरकारी ऋषि की सर्वाधिक भूमिका रही है वह है महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में जो जाने जाते हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा, वेदों की परंपरा को निविदत करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ बना दिया, श्रवण की परंपरा से उसे हम सब के लिए भी सर्वसुलभ बना दिया। ये जो काल मानव सृष्टि पर और खासतौर पर सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर भगवान वेदव्यास का है, इसीलिए आप देखते होंगे व्यास की गद्दी भारत की परंपरा में सर्वोच्च गद्दी मानी गई है। कहा वचन का कार्यक्रम हो, आचार्य सभी लोग बैठते हैं, लेकिन व्यास को हमेशा महत्व दिया जाता है क्योंकि गुरु के साथ, आदि गुरु के साथ जुड़ा हुआ है और उसके प्रत्येक सनातन निष्ठा हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही हमें प्रेरणा देती है कि श्रद्धावान लब्धे ज्ञान, यानी अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ पाए। इस श्रद्धा का भाव कहां से आता है? ये हमारी सोच से पैदा होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो हमें सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें सोच को ठीक करना होगा। सोच को ठीक करने का मतलब एक
एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना होगा। हमारी सकारात्मक सोच होगी तो हमें सब जगह सकारात्मकता ही दिखाई देगी। हमारी नकारात्मक सोच होगी तो हमें हर अच्छे कार्य में भी समस्या दिखाई देगी, लेकिन सकारात्मक सोच होगी तो बड़ी से बड़ी चुनौती में भी आपको समाधान दिखाई देगा, और जहां समाधान है वहीं पर आगे बढ़ने के लिए ही रास्ता है। जहां हमें हर कार्य में समस्या दिखाई देती है उस लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप देखते होंगे जो कभी अच्छा सोच नहीं सकते, जब अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा कर भी नहीं सकते। समस्या गिना देंगे और उसके लिए उन्हें 10 बहाने मिल जाते हैं। यानी अगर समाधान की तरफ आपको बढ़ना है तो उसके लिए बहाना कोई मायने नहीं रख सकता। उस समय बहाना नहीं बन सकता। अगर हमें समाधान की तरफ बढ़ना है तो हमें समाधान को ही आगे लेकर के चलना होगा, समस्या को नहीं। जब हम किसी कार्य को करने के पहले समस्या गिनने लग जाएंगे तो आप समाधान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वे हमेशा 10 बहाना ढूंढ करके समस्या गिनाने लग जाएंगे, लेकिन जिन्हें समाधान करना होता है वे बहाना नहीं ढूंढेंगे, वे समस्या नहीं गिनाएंगे, वे समाधान दे देंगे। इस कार्य को ऐसे इस मकसद तक पहुंचने का रास्ता, और जो मैंने 5 श्रेणी आपके सामने गिनी है, यही 5 श्रेणियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकती है। उसके स्वयं के माँ बाप, माता पिता, वे सबसे पहले गुरु हो गए। उनके स्वयं के भाई, बड़े भाई, बड़ी बहन, ये उनके दूसरे गुरु हो गए परिवार के अंदर ही। उनके स्वयं के समाज के प्रबुद्ध जन, बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, महासन एन गतः सपथ की बात जब हम करते हैं तो महापुरुष समाज का कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो सकता है, वो हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। वो जो राह दिखा है वह भी हमारे लिए अनुकूल हो सकता है, जो समाज के अनुकूल है वह हमारे अनुकूल है। 5वां शिक्षा का गुरु, जो आपको विद्यालय में अक्सर ज्ञान से लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। और 5वें प्रकार की जो आपके दीक्षा के गुरु, आपके जीवन को और भी उन्नत बनाने के लिए जो सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है उस परंपरा के रूप आगे बढ़ने में आपका योगदान दे सकता है। 5 श्रेणी के इन महापुरुषों का मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में हम सबको प्राप्त होता है, और याद रखना अवसर सबको प्राप्त होता है। उस अवसर को अपने अनुरूप और समाज के अनुकूल बना करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही जीवन में हमेशा सफल होता है, और उस हर चुनौती को अपने अनुकूल और समाज के अनुकूल बनाने के लिए ही हम सबको सदैव समाधान की तरफ बढ़ने के समय हम प्रयास करेंगे तो जीवन में हमें सदैव सफलता प्राप्त होगी। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन के साथ जुड़ गए। अभी 15 अगस्त आएगी, यानी आज से कुल 1 महीना 3 दिन का समय, 15 अगस्त 2022, यह देश आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होता है। आजादी का ही यह अवसर है जो हमें इतने बड़े आयोजन के साथ बिना किसी औपचारिकता के शामिल होने का अवसर दे रहा है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने अनुसार अपने चर्या को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता भी है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, हमें अपने अनुरूप जीने की, आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता भी है,
सभी प्रकार के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये भारत की आजादी के कारण ही हो पा रहा है। याद करिए, क्या 1947 के पहले ऐसा कुछ था क्या? आजादी के पहले इतना बड़ा जमावड़ा अगर एक जगह कहीं कोई करता, क्या उस समय की हुकूमत इस प्रकार की अनुमति दे पाती और देती, क्या उसके लिए इस प्रकार का अवसर देता? नहीं होता। आज हम अपने पर्व और त्योहार इतने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं, क्या ये आजादी के पहले संभव होता था क्या? आज हम लोग अपने अनुसार कहीं भी अपना भाषण दे सकते हैं, अपने अनुसार अपना स्कूल चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या ये 1947 के पहले संभव था क्या? नहीं। हमें उस समय निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, अब से अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमारा अपने देश का संविधान नहीं था, हमें ब्रिटेन की मर्जी से काम करना होता था, भारत को अपनी किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी। जो मौलिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होता है वो उस समय किसी को नहीं थी। और इसीलिए ये देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, आजाद भारत ने फिर कहा कि नहीं, अब हम किसी के संविधान से नहीं बल्कि अपने देश की भावनाओं के अनुरूप अपना संविधान बनाएंगे और उसके अनुरूप अपना देश का संचालन भी करेंगे। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान भी बनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार भी किया। इससे पहले 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने स्वीकृति भी दी, संविधान सभा ने स्वीकृति भी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में भी पूरे देश के अंदर मनाना प्रारंभ किया, जिससे भारत की हर एक पीढ़ी को, वर्तमान और भावी पीढ़ी को अपने वर्तमान और अपने अतीत की जानकारी भी प्राप्त हो सके। संविधान दिवस पर देश के संविधान की प्रति शपथ लेकर के हम लोग न केवल अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बल्कि मौलिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में जो एक नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में हमारे होने चाहिए, उन सब की शपथ भी हर भारतवासी लेता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी ये पीढ़ी आजादी के 75 वर्ष की इस आयोजन की साक्षी बन रही है। जिन लोगों की उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल होगी, उन्हें 1947 के पहले की स्मृतियां याद होंगी, उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां हुआ करती थी। कहीं पर भारत के नागरिकों का कोई बड़ा जमावड़ा हुआ, पता लगा ब्रिटिशर के द्वारा वहां पर गोलियां चला दी जाती थी, चोरी चोरा की घटना ऐसे ही। अवैध वसूली के खिलाफ जब गोरखपुर के चोरी चोरा क्षेत्र के किसानों ने, मजदूरों ने आवाज बुलंद की तो उनपे गोलियां चला दी गई। जब उन लोगों ने अपनी बात को लेकर के थाने का घेराव किया, वहां उन्हें फोन दिया गया। यही तो होता था, यही तो चोरी चोरा की घटना थी। और उसके बाद किसान और यहां के श्रमिकों का आक्रोश जब सामने आया, वो चोरी चोरा की घटना के रूप में देश के अंदर भारत के इतिहास में होते थे। यही गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यही गोरखपुर था जहां पर शहीद बंधु सिंह को फांसी दी गई थी। शहीद बंधु सिंह ने 1857 में भारत की स्वाधीनता के लिए, उस समय पूरे देश के अंदर आजादी के लिए जो आवाजें उठ रही थी, उसका नेतृत्व शहीद बंधु सिंह समेत तमाम अन्य ऐसे महापुरुषों ने 1857 में भी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में उसकी क्रांति की लौ को जलाया था। कहीं शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में ये लड़ाई आगे बढ़ी थी। पश्चिम में अगर आप
आएंगे मेरठ में धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में। ये क्रांति की लौ आगे बढ़ी थी। कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर इस लड़ाई को लेकर के देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। अलग अलग क्षेत्र में कोई देश का कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने अपने आप को बलिदान न किया हो, आगे बढ़ करके कार्य न किया हो। गोरखपुर में ही 1942 में दोहरिया में भी घटना घटित हुई थी। यानी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में भारत शामिल हो रहा है, और अगर गोरखपुर के एक छोटे से गांव के लोगों ने इस आंदोलन में सहभागी होने का अपने को जोड़ा और एक जुलूस निकल रहा है, तो उसी में पूरा डोहरिया गांव समाप्त कर दिया गया, जला दिया गया, दर्जनों लोग मार दिए गए, झूठे मुकदमे में फंसा दिए गए। यही विदेशी हुकूमत का शासन होता है। वे अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, हमारी आवाज को आगे बढ़ने नहीं देते थे। और इसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ भारत का अपना शासन होगा। देश के क्रांतिकारियों ने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया, इसका परिणाम है 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ और 75 वर्ष की यात्रा भारत ने कैसे तय की है। यह 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और इस अवसर के लिए हम सबको भी आयोजन के साथ जुड़ जाना, शासन स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के स्तर पर कार्यक्रम बनेंगे, और मुझे लगता है हर भारतवासी का दायित्व बनता है इन कार्यक्रमों में हम सब सहभागी बने। गोरखपुर वह स्थान है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई। उन्होंने लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों के खजाने को लूटा था, उसको वहां पर भारत का खजाना भारत से जाकर के ब्रिटेन जाएगा कि कैसे हो पाएगा, नहीं हो सकता। भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए, भारत के क्रांतिकारियों की मांग। और उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्पताल खान, ठाकुर भूषण सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाकर के ट्रेन रोकी और खजाना लेकर के, और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर के खिलाफ अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे काकोरी कांड के नाम पर। ये सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में शहीद हुए थे, लेकिन शेष अन्य को, किसी को गोरखपुर में, किसी को गोंडा में, किसी को अयोध्या में, किसी को नैनी में, अलग अलग जगह फांसी हुई थी। आजादी के उन दीवानों के सपनों को साकार करने का भारत बनाना है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन को उस प्रकार से यादगार बनाना और देश की आजादी के 75 वर्ष के लिए लक्ष्य तय करना, 25 वर्षों के लिए अभी से हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आप जैसे अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे, स्कूल भेजते होंगे, पहले से तय करते होंगे कि मैं बच्चे को जब पहली क्लास में भेजूंगा तो एक समय जाकर के स्नातक होगा, परास्नातक होगा, उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उत्तम शिक्षा अर्जित करेगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, कोई चाहेगा वह सर्विस में जाए, अच्छी सेवा में जाए, कोई चाहेगा वह व्यवसाय के क्षेत्र में जाए, कोई चाहेगा कि अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करे, कोई चाहेगा कि यह व्यक्ति बाहर जाए, कोई चाहेगा कि अपने घर में रहे, अपने कारोबार को देखे, अलग अलग फील्ड में व्यक्ति की रुचि के अनुरूप आप कार्य योजना एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे का तैयार करते हैं। ऐसे ही देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष से 75 वर्ष के लिए आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के लिए देश अब कार्य करना प्रारंभ करेगा, और उसमें भी मेरा देश वैभवशाली हो, मेरा देश दुनिया का समृद्धतम देश हो, मेरा देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश हो, ये कौन ऐसा भारतवासी होगा जिसके मन में इस प्रकार की भावना नहीं। और हर भारतवासी
क्षेत्र में काम करना है, पूरी राष्ट्र निष्ठा के साथ कार्य करना अगर प्रारंभ कर दे तो अमृत महोत्सव वर्ष की सार्थकता भी होगी और आगामी 25 वर्षों की एक कार्य योजना जो पूरे देश के लिए लागू होनी है उस कार्य योजना के साथ हम सब भी जुड़े और अमृत महोत्सव वर्ष की जो सबसे बड़ी ताकत होगी वह ताकत होगी हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। भारत के प्रतीकों का भारत के अंदर सम्मान होना चाहिए। भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगीत, भारत का आन मान शान का प्रतीक तिरंगा, भारत का संविधान, इन सब के प्रति सम्मान का भाव हर भारतवासी के मन में होना चाहिए क्योंकि ये प्रतीक केवल प्रतीक नहीं है, राष्ट्र की प्रेरणा है, हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारा एक दर्शन है और उस साथ उस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए ही पीछे आजादी का यह अमृत महोत्सव हम सबके लिए अत्यंत मायने रखता है। हर व्यक्ति अगर अपने अपने दायित्व का निर्वहन अपने क्षेत्र में करना प्रारंभ देश पिछले 8 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर अग्रसर हुआ से चले जाइए इधर से कोई कारण जाने लायक नहीं रहा है ना है ना ये आने वाली सभी भारत की सभी होगी। भारत दुनिया को नेतृत्व करेगा, भारत दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास आज दुनिया के अंदर हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में है और वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए कोरोना प्रबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश ने और देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं आज भारत देश के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें साबित करती है ये हमारा जो ट्रैक है एकदम सही है। लेकिन देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है हम सबका दायित्व भी बनता है कि हम भी उसके साथ जुड़ करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय हम भी अपने स्तर पर अपने योगदान दें। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता के साथ मैं क्या करूं तो जो है मैं सरकार का पार्टी, आप सब लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और लोकतंत्र में जनता सब कुछ करती है। आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, मेयर या पार्षद के रूप में, प्रमुख या क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य के रूप में, प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में, ये आपके प्रतिनिधि हैं। वे आप ही का भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, वे कार्य मेरिट के आधार पर आगे बढ़ सके हमारा दायित्व बनता है, हम भी उसमें सहभागी। किसान अगर ईमानदारी के साथ अपनी खेती बाड़ी के कार्य को कर रहा है और कृषि उत्पादन में कुछ नए शोध करके नवाचार के साथ अपनी कृषि को जोड़ता है वास्तविक राष्ट्र के प्रति उसकी सेवा है। एक श्रमिक अपना पसीना बहा करके कार्य कर रहा है ये भी उसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। एक शिक्षक अगर स्कूल में जाकर के ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा है, अध्यापन के कार्य को ईमानदारी के साथ कर रहा है, यह भारत के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपनी क्लास में पढ़ता है और ईमानदारी के साथ स्कूल के अनुशासन को मानते हुए उन सभी गतिविधियों में सहभागी बनता है ये उसके अपने राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण होता है। एक सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ कर्मी व्यक्ति, कलाकार हो या फिर व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, जो भी अपने अपने फील्ड में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है यह राष्ट्र के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण भी है और उस अभियान के साथ हर
सैनिकों का सम्मान कर रहा है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का सम्मान कर रहा है। और हमारा प्रयास होना चाहिए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को हम लोग पूरी भव्यता के साथ करें। क्या ये संभव हो सकता है कि हमारी संस्थाओं 15 अगस्त के आयोजन के साथ 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होने हैं, शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, इन सब से जुड़े हुए बच्चे अलग अलग दिन पर भाग लेने के कार्यक्रम के साथ जुड़े, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े। स्वच्छता की कीमत को तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन समझ सकता है। याद करिए, यही जुलाई का महीना होता था जब हर माँ बाप सशंकित रहता था आज से 4 साल पहले, कब दिमागी बुखार आ जाए, कब ये नौ की बीमारी आ जाए, कब बच्चे को निगल ले, कोई भरोसा नहीं होता। आज दिमागी बुखार को स्वच्छ भारत अभियान ने और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने कार्यक्रम बढ़ाए हैं, 95% मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। जनता का शासन प्रशासन के सहयोग साथ सहयोग बना, बीमारी नियंत्रित हो गई। लेकिन जब लोग गंदगी में रहते थे, लोग स्वास्थ्य के बारे में और जागरूक नहीं थे, स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं थे, तो इसी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। गांव में जो व्यक्ति बीमार है, जो बच्चा बीमार है, वहां मौत हो रही वो अलग सी है, एक लंबी श्रृंखला खड़ी होती थी, बदनामी अलग से होती थी। हम केवल दोषारोपण करते थे, सरकार ने दोषारोपण नहीं किया, सरकार ने अपने स्तर पर व्यवस्था की और परिणाम क्या रहा, 95% मौत को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें केवल सरकार ने ही योगदान नहीं किया, जनता का भी सहयोग लिया गया, तमाम अन्य संगठनों ने भी सहयोग किया, सामाजिक संगठन भी आए, व्यापारिक संगठन भी आए, अलग अलग स्तर के लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ये सभी लोग जुटे, स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, महिला और बाल विकास विभाग, सभी लोग जुड़े, परिणाम सबके सामने आ गए। जब भी टीम वर्क होगी, सबकी भावनाएं एक जैसी कार्य करती हुई दिखाई देगी, परिणाम हमारे अनुकूल आएगा। जब भी अलग अलग हमारी सोच होगी, अलग अलग दिशा में हर व्यक्ति जाएगा, परिणाम हमेशा प्रतिकूल हो जाएगा। और इसलिए एक दिशा में सोचना, एक साथ चलना, एक साथ मिलकर के कार्य करना और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अहर्निश प्रयास करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हम लोगों ने इसको किया, स्वच्छ भारत मिशन की कीमत को हम लोग समझ सकते हैं। जो आज से 4 साल पहले गोरखपुर में ही गोरखपुर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के हजारों बच्चों की मौत को अपनी आंखों के सामने देखते थे, आज स्वच्छ भारत मिशन जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी के एक विजनरी अभियान ने उन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए 11 से 18 के बीच में जो कार्यक्रम होंगे, किसी दिन स्वच्छता का कार्यक्रम चले, प्रभात फेरी स्वच्छता के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, कोरोना महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बने, महापुरुषों की झांकियां निकले, अलग अलग तबके के लोगों को जागरूक करने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम हमारे बनने चाहिए। किसी दिन विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी दिन अलग अलग तबके के कलाकार अलग अलग चौराहों पर महापुरुष आजादी के विभिन्न घटनाओं की स्मृति में देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़े, अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम, और यह सुनिश्चित होगा हर घर पे तिरंगा लहराएगा, हर घर अपने हर भारतवासी अपने घर के तिरंगा लहराएगा और भारत के आन मान और शान के प्रति तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेगा, तो स्वाभाविक रूप से आगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्पों के साथ हम सब जुड़ पाएंगे। और ये हम सब भारतवासियों को करना चाहिए, उत्तर प्रदेश वासियों को करना चाहिए, गोरखपुर वासियों को इन सब कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए। हम सबका तहे मन बनता है
क्योंकि हम भारत के वासी हैं और भारत की आजादी के 75 वर्ष हम सब मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ना हम सब के लिए अद्भुत घटना होगी। आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना बनाना हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। 25 वर्ष क्या, आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग भविष्य पर होंगे, कोई युवा हो चुका होगा, कोई बुजुर्ग प्रौढ़ हो चुका होगा, कोई बुजुर्ग हो चुका होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उन सब के प्रवाह के बगैर हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ अनेक महापुरुषों की जयंतियां होंगी जिन लोगों ने उस दौरान अपने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान किया था। गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह का, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है, चोरी चोरा डोहरिया और भी अन्य जो गोरखपुर में ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है वहां से जुड़े हुए उन क्रांतिकारी और शहीदों के बारे में भी हम सबको कुछ विशिष्ट कार्यक्रम बनाने चाहिए, विशेष आयोजन करने चाहिए, यह एक लक्ष्य। दूसरा, आजादी की लड़ाई में सफलता प्राप्त हुई तब जब भारत ने स्वदेशी अपनाया था। स्वदेशी का मतलब जो भारत के लोगों के द्वारा ही, भारत के हस्तशिल्पियों के द्वारा, भारत के कलाकारों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा जो उत्पाद बनाया जाए उसको भारत ने जब स्वीकार करना है, विदेशी वस्तुओं की बोलियां चली, स्वदेशी वस्तुओं को लोगों ने अपनाना शुरू किया। देखते देखते पूरे देश के अंदर आंदोलन एक नए ओज और तेज के साथ आगे बढ़ा। आज प्रधानमंत्री जी ने एक नया लक्ष्य दिया है, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब अपने स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करेंगे। कभी गोरखपुर के पिपरोली में बर्तन बनते थे, आज गायब हो गया। कहां गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, आज क्यों नहीं बन पा रहा है? याद रखना, जब हम सिल्वर के यानी जो ये एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन जो बनाते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। विश्व की तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं ने इसके बारे में एक चेतावनी दी है, सबसे अच्छा भोजन किसमें बनेगा, पीतल या उससे जुड़ी भी जो बर्तन होंगे उसमें बने हुए भोजन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन में जब हम भोजन बनाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर गोरखपुर में पिपरौली में कभी ये बर्तन बनते थे, आज वो बंद हो गए। हर जनपद के लिए राज्य सरकार ने योजना चलाई, एक जनपद एक उत्पाद की योजना। हमने गोरखपुर में भी पहले चरण में पेड़ों को का दिया है। गोरखपुर के औरंगाबाद के हमारे कलाकार टेराकोटा के बर्तन और टेराकोटा की कलाकृतियां बनाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ और भी अलग अलग के गांव के लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे ही हर जनपद की एक योजना हम लोगों ने दी, जो यूपी के लिए विख्यात थी, परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम भी योगदान दे सकते हैं। और इस दृष्टि से स्वदेशी को प्रोत्साहित करना, जहां हैंडलूम होगा, जहां पे परंपरागत तरीके से चलता है उसको हम तकनीक के साथ जोड़ करके रोजगार प्रसार न पड़े, लेकिन कम पूंजी में ज्यादा रोजगार और ज्यादा लोगों को एक जीवन में स्वावलंबन का अवसर प्रदान करने के अवसर देना। महिला स्वयं से भी समूह बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे आयोजन हैं जिनके साथ महिला स्वयं से भी समूह जुड़ सकती है। हम देखते हैं गोरखपुर में एक डेयरी है, लेकिन डेयरी घाटे में इसलिए चल रही है क्योंकि डेयरी में दूध नहीं आता।
मिल्क कलेक्शन की सुविधा नहीं करते हो। इसके लिए अगर गोरखपुर के सभी 3300 ग्राम पंचायतों में हम वहां के लोकल किसानों के साथ जुड़ करके दुग्ध समितियां गठित कर लें और महिला स्वयं सेवी समूह इसके साथ जुड़े, हर 35 गांवों की महिलाएं जुड़ जाएं, जो उन गांवों से दूध हर एक जिसके पास भैंस है, जिसके पास गाय है, या रखना डेयरी में दूध देने के लिए फैट कंटेंट को देखा जाता है, वो तोला जाता है, उसमें वो सारी पैसा दिया जाता है, पानी कोई कितना भी मिला ले उस पैसा में उससे ही मिलने वाला है, उसमें फैट के कंटेंट को देखने के लिए उसको नापा जाता है, उसके सारी पैसा उसका तय होता है। करके वहां से दूध कलेक्ट करके डेयरी तक पहुंचाएंगे तो डेयरी भी चल जाएगी और 3300 गांव पंचायतों में महिला स्वयंसेवी समूह उसके माध्यम से पुनर्जीवित करके उन जो महिलाएं उसके साथ जुड़ेंगी उनके पास भी आजीविका का एक माध्यम मिल जाएगा। बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, कार्य की कमी नहीं, केवल उसको नेतृत्व देने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड में 2019 सामने एक समस्या है, वहां की महिलाओं ने कहा कि हम लोग कार्य करना चाहते हैं। हम लोगों ने वहां पे एक बनेटी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में एक महिला स्वयंसेवी समूह गठित किया। कुछ चंद महिलाएं उस समय वहां पे थी। इस समय उस महिला स्वयंसेवी समूह में 600 सदस्य हैं और बुंदेलखंड के लगभग हर ग्राम पंचायतों की पहुंच हो चुकी है। हर महिला हर माह 8,000 से लेकर 10,000 रुपए कमा भी रही है और उनके बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की मैं विगत वर्ष की बैलेंस शीट देख रहा था कि उनको नेट प्रॉफिट यानी अपना भुगतान करने के बाद भी उनको 4 करोड़ रुपए का एक साल में प्रॉफिट भी हुआ है। ये है आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। कोई भी उसके सामने आगे बढ़ सकता है, अलग अलग क्षेत्र में कर सकते हैं, नौजवान अपने क्षेत्र में कार्य कर सकता है, अलग अलग फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं घोषित की है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारा संकल्प होना चाहिए उस दिशा में हम आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत के बल पर एक स्वावलंबी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना, प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्राकृतिक खेती के साथ हमारा किसान जुड़ सकता है, खेती की लागत को कम करना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना। लागत कम तब होगी जब फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड की कीमत को आप 0 पे ला देंगे और ये तभी हो पाएगा जब गौ आधारित खेती आप करेंगे। इसमें बहुत सारी अच्छी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ हो सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सभी इस दिशा में आगे बढ़ सके इस विश्वास के साथ आप आए। इस भीषण गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप सभी प्रसाद पा करके यहाँ से जाएंगे। गुरु पूर्णिमा आप सबके लिए मंगल में हो, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति बड़ी शुभकामनाएं हैं। आज गुरु पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सभागार में अभी गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा की महिमा को बताया और देश में जो है आज हमारा देश 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है, मना रहा है इस वर्ष, और अमृत महोत्सव के रूप में यह 15 अगस्त को इस बार मनाएंगे, तो उसमें 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी महाराज जी ने बताया। और गुरु पूर्णिमा का महत्व यह आज से नहीं आदिकाल से चला रहा है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हम सबके गोरखपुर के क्या पूरे विश्व के गुरु थे और गुरु गोरक्षनाथ ने जो
गुरु की महिमा को बताया और हम सबको अपने जीवन में गुरु की महिमा को सदैव याद रखना चाहिए, गुरु के प्रति सदैव स्नेह प्यार और उनके प्रति सम्मान का भाव सदैव रखना चाहिए। गुरु से, गुरु एक ऐसा होता है जिससे आदमी को सीख मिलती है, जीवन में आचरण अच्छा मिलता है, अच्छे आदर्श मिलते हैं और गुरु की सदैव जो है उनकी आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए। और गुरु एक ऐसा होता है जो मनुष्य को धरती से लेकर आकाश तक उनको एक अच्छा आदर्श सिखाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सभी गुरुओं के प्रति आदर भाव से उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विशेष रूप से गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के चरणों का वंदन करता हूँ और सभी गुरुओं के प्रति आदर भाव नमन करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं के प्रति उनको मैं प्रणाम करता हूँ और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबके अंदर गुरु का सम्मान करने का एक भाव जगह और सब लोग गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके दिखाए हुए सच्चे मार्गों का अनुसरण करें। जय गुरुदेव। सबको राशन सबको पोषण के सरकार के मंत्र को साकार करने में उचित दर विक्रेताओं कोटेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कोटेदारों को योगी सरकार CSC कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में और सक्षम बनाने जा रही है। इस मंशा को धरातल पर उतारने के लिए गुरुवार 14 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का आदान प्रदान होगा। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पूर्वाहन 11 बजे होने वाले कार्यक्रम में CM योगी जिले के कोटेदारों संग संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। प्रदेश भर में राशन की 80,000 के करीब उचित दर की दुकानें हैं। इन दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से जहां कोटेदारों की आय में वृद्धि होगी वहीं आमजन को भी काफी सुविधा मिलेगी। राशन प्राप्त करने के साथ ही लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर लिस्ट से जुड़े कार्य अब कोटेदारों के यहाँ भी करा सकेंगे। कोटेदार के यहाँ हर वह सुविधा मिलेगी जो CSC पर मिलती है। कोटेदारों को CSC का दर्जा देने की कार्य योजना सरकार के 100 दिन के लक्ष्य के अंतर्गत पूरी की गई है। CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ गुरुवार को होने वाला MOU कोटेदारों के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ा उपहार होगा। भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई द्वारा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महानगर के दीनदयाल नगर मंडल के अंतर्गत बेतिहाता स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह के द्वारा संतों को माला एवं पटका पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन सनातन संस्कृति के गौरव का दिन है। हमारे सनातन परंपरा में गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सनातन परंपरा में गुरु शिष्य का महत्व है उसी को एक आधार बनाकर भारत को महान बनाने का जो संकल्प स्वामी विवेकानंद ने लिया था उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत कर भारत को एक महान भारत बनाने का मोदी एवं योगी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश में सरकार चल रही है। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, वीरेंद्र शाही, अनुप किशोर अग्रवाल, महानगर उपाध्यक्ष रणविजय शाही, मंडल अध्यक्ष सिद्धांत घोष, आशुतोष पांडे, चंदन शर्मा, कमलेश आजाद, विष्णुकांत शुक्ला, मीडिया प्रभारी चंदन आर्य सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, Ah
दशम तनु नमो यत्र पिता दास विदास पुत्रा देवा आदिते पम्ब जो शांति रंगे सरस्वत शांति ब्रह्मेव शांति सामा शांति यतो यतः समीह आज श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। हमारी सनातन परंपरा में गुरु का महत्व बहुत है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश भर में हमारे जितने भी मंडल हैं उन सभी मंडलों में सभी साधु संत साधक ऐसे विद्वानों का सम्मान का कार्यक्रम हम सब करेंगे। और गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने भी तय किया कि अपने महानगर के सभी 10 मंडलों में कार्यक्रम करेंगे। गोरखपुर क्षेत्र में 286 मंडल हैं और आज सभी मंडलों में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी मठ मंदिरों में जाकर के इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे गोरखपुर महानगर में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने जो साधु संत हैं उनका सम्मान कार्यक्रम किया है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सम्मान कार्यक्रम मंदिर में भी करने वाले हैं और हर जगह पर इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या कहेंगे आज के बारे में? मैं यही कहूँगा जिस प्रकार से हमारी सनातन परंपरा में एक गुरु शिष्य का महत्व है और उसी को एक आधार बना करके इस भारत को महान बनाने का जो संकल्प स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश के साधकों ने लिया था उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करते हुए भारत को एक महान भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है उसको उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प इस देश के हर युवा को लेना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाया रोट का महाप्रसाद सभी देव प्रतिमाओं और ब्रह्मलीन नाथ योगियों की समाधि पर। सीएम योगी ने किया पूजन। शुभकामना संदेश में कहा सब ले अपने गुरु का आशीर्वाद। वितरित हुआ महाप्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। 150 फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संतों का सम्मान। कहा अवसर को अनुकूल बनाकर चलने पर मिलती है सफलता। जो अच्छा सोच नहीं सकते वो अच्छा कर भी नहीं सकते। युगांतकारी घटना से जुड़कर प्रेरणा देते हैं सनातन संस्कृति के पर्व त्योहार। गुरुवार को कोटेदारों को सीएससी के रूप में सक्षम बनाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित होगी एमओयू। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कोटेदारों संग संवाद करेंगे सीएम योगी।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा महानगर इकाई द्वारा प्राचीन हनुमान मंदिर में संतों को माला एवं पटका पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर किया गया सम्मानित। कहा, सनातन संस्कृति के गौरव का दिन है गुरु पूर्णिमा का पर्व। धार्मिक स्थलों व परंपरा के संवाहक धरोहरों का हो रहा है विकास। 6,01,00,000 की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। दो शातिरवान चोरों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 3 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। श्रावण पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग गोरखपुर से अयोध्या के लिए चलाएगा 10 बस। बढ़लगंज देवरिया पिपराइच के लिए भी चलेगी अनुबंधित बसें। परिवहन विभाग के एआरएम ने दी जानकारी। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, गुरु और वृक्ष दोनों देते हैं जीवन और छाया। और महादेव झारखंडी शिव मंदिर में 14 जुलाई को शुरू हो रहे श्रावण मास की तैयारियां हुई पूरी। पुजारी शंभुगिरी ने कहा, भोलेनाथ के आस्था में लोग दूर दूर से चढ़ाने आते हैं जल, नहीं करते हैं निराश भोलेनाथ, सबकी पूरी करते हैं मनोकामना। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। You like it, Chico?
डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? It's magnificent and it also comes in gold and chrome black. And by the way, it's Chico, not doggy. Presenting Hughes by Hindwear Italian Collection. Stunning colored faucets with long lasting finish that's noticed by everyone. Hindwear Italian Collection. ISL Institute for Simplified Learning, दिल्ली के well qualified और experienced टीचर्स द्वारा संचालित ISL Institute for Simplified Learning, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर. स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स. अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46. दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप धार्मिक स्थलों व परंपरा के संवाहक धरोहरों के विकास को पंख लग गए हैं. आस्था और परंपरा के प्रतीक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को सवरा रूप लोगों को अपनी ओर और आकर्षित कर रहा है. ऐसे स्थल नए स्वरूप में अपनी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को न केवल अक्षुण्य रखे हुए हैं, बल्कि इनके जीर्णोद्वार के बाद आस्था और परंपरा का और सम्मान बढ़ा है. आस्था और परंपरा को सम्मान देते हुए सीएम योगी के मार्गदर्शन में गोरखनाथ ओवरब्रिज के समीप स्थित पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व वाले मानसरोवर शिव मंदिर तथा मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान अधियारी बाग का पर्यटन विकास कराया गया है. इन दोनों स्थलों पर हुए विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के पहले दिन यानी गुरुवार 14 जुलाई को करेंगे. मानसरोवर शिव मंदिर को सजाने संवारने में 6.01 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, प्रसाधन, 50 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा, 2 टूरिस्ट शेल्टर, परिसर स्थित सरोवर पर रेड स्टोन रेलिंग, हवन कुंड, रेड स्टोन पाथवे, उद्यान, महिला पुरुष व दिव्यांगजन के लिए टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, बाउंड्री वॉल का निर्माण, लैंडस्केपिंग, प्रवेश द्वार, पार्किंग के निर्माण के साथ ही सोलर पैनल तथा विक्टोरिया व गार्डन लाइट लगाए गए हैं. मानसरोवर शिव मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान अंधियारी बाग का जीर्णोद्वार तथा सुंदरीकरण 1.64 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है. रामलीला के लिए मंच, ग्रीन रूम, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, उद्यान, 2 प्रवेश द्वार बनाने के साथ ही लैंडस्केपिंग भी कराई गई है. रामलीला मैदान में स्थित डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है. राजघाट पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्त को नेशनल हाईवे अमरूद मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रजत त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय राकेश त्रिपाठी निवासी हाशुपुर घसियारी टोला निकट राधा कृष्ण मंदिर थाना राजघाट गोरखपुर, दूसरा चंदन कुमार भारती पुत्र महेंद्र कुमार भारती निवासी बसंतपुर दक्षिणी घसियारी टोला राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, देवेंद्र कुमार, कुंदन कुमार, हृदेश सिंह शामिल रहे. जनपद में श्रावण पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग के द्वारा अयोध्या के लिए 10 बसें लगाई गई हैं, जिसके संबंध में परिवहन के ARM महेश चंद्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से अयोध्या तक 10 बसें लगाई गई हैं. यदि कोई यात्री बड़हलगंज, देवरिया और पिपराय जाता है तो उसके लिए लोकल अनुबंधित बसों की व्यवस्था की गई है. यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने बताया कि यह बसें पूरी श्रावण पर चलेंगी तथा रक्षाबंधन में परिवहन निगम महिलाओं एवं वाहनों के लिए पूरी सुविधा देगी. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ARM महेश चंद्र ने कहा,
यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से अयोध्या तक 10 बसें लगाई गई हैं और वापसी की भी यही व्यवस्था है। जो यात्री आते हैं उसमें ज़्यादातर कुछ बड़लगंज जाएंगे, कुछ देवरिया जाते हैं, कुछ पिपराइच जाते हैं, तो इनके लिए लोकल अनुबंधित बसों की व्यवस्था है। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशल बसें भी कुछ लगाई गई हैं? 10 निगम की बसें लगाई गई, मतलब उसमें आम यात्री भी जा सकते हैं केवल? नहीं, किसी को मना नहीं है, तो जाएंगे ही, उसमें और भी जो जाना चाहें वो भी जाएंगे। ये आज से शुरू है और ये लगभग एक महीने तक तो चलेंगी, पूरे सावन भर चलेंगी बसें। रक्षाबंधन भी है? रक्षाबंधन में तो अलग व्यवस्था है, रक्षाबंधन में तो महिलाओं को फ्री है, बहनों को फ्री है, वो तो पूरे प्रदेश में जाएंगे, कहीं मना नहीं है। लेकिन ये तो स्पेशली अयोध्या के लिए है और पूरी सुविधा रक्षाबंधन में महिलाओं बहनों को पूरी सुविधा परिवहन निगम प्रोवाइड करेगा। शाहपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक शातिर अभियुक्त को लोको ग्राउंड थाना शाहपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रिंकू निषाद पुत्र स्वर्गीय भोला निषाद निवासी गुलेरिया बाजार थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, पप्पू कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, अरविंद यादव शामिल रहे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर व्यवस्थापक आशुतोष मिश्रा एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला के नेतृत्व में मुंशी प्रेमचंद पार्क स्थित गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके संबंध में विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला ने बताया कि गुरु और वृक्ष दोनों जीवन और छाया देते हैं। गुरु वृक्ष के समान है, जिनसे निस्वार्थ भाव से हमारे समाज में शिक्षा का बीज बोकर समाज को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने बताया कि माँ के बाद जो दूसरा स्थान होता है वह गुरु का होता है। गुरु को ही ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। वहीं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मधु सत्यदेव ने कहा कि हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गुरु के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षों को उगाना चाहिए, क्योंकि साहित्य में लिखा हुआ है अगर आप एक वृक्ष काटेंगे तो उसकी जगह 10 वृक्ष लगाएंगे। यह गुरुओं का महत्वपूर्ण संदेश है। इस अवसर पर स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी की प्रधानाचार्य लोरेटा यकूब, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, आराधना यादव, नीतू यादव, रिया सावित्री, संगीता, अशोक सिंह, अर्जुन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गंगोत्री महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला एवं डीडीओ गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर मधु सत्यदेव ने कहा, सर इधर देखिए, इसको ठीक से दबा के पानी डाल दीजिए। मैं डॉक्टर पूनम शुक्ला, प्राचार्य गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज। पौधारोपण किया गया
महाविद्यालय में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के सारे शिक्षक जो हैं उपस्थित हैं, साथ ही एनसीसी के कैडेट भी हैं और पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं महाविद्यालय के जो व्यवस्थापक सर हैं श्री आशुतोष मिश्रा सर, वो भी उपस्थित हैं। और एक पौधा जो होता है कि वह स्वपुत्र के समान होता है, इसलिए आम के वृक्ष का हम लोग आज वृक्षारोपण करके उसको पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। सर, जैसा माना जाता है कि गुरु का स्थान पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ के बाद जो दूसरा गुरु होता है, जो दूसरा स्थान है, वह गुरु का है। गुरु को ही ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। गुरु जो है पूरे समाज को शिक्षित करता है, इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु का स्थान जो है सबसे पहले का, इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद ये बताए। तो कहते हैं सबसे पहले प्रणाम गुरु को करो, फिर भगवान को प्रणाम करो। डॉक्टर मधु सत्यदेव, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। यहाँ हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण है स्थान है, क्योंकि गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये सारे जो तथ्य हैं जो हमारे वेद पुराण उपनिषद इत्यादि में दर्शाए गए हैं, विशेष रूप से तैतृय उपनिषद में, तो हमें उनकी तरह आचरण करना चाहिए और हमें हमारे अंदर ऐसे संस्कार डालने चाहिए इन बच्चों, हमारे द्वारा बच्चों के अंदर, कि ये फलीभूत हों, आगे जाकर के पुष्पित पल्लवित हों। जैसे ये बच्चे हमारे जीवन का प्राण हैं, ये आगे जाकर के देश के भविष्य कहलाएंगे, कर्णधार कहलाएंगे, वैसे ही ये हमारे जो फल हैं, ये हरित क्रांति अगर हम इनको देंगे, इनको हम पुष्पित करेंगे, सिंचित करेंगे, जो बीज है उसको तभी वो पल्लवित होगा, तो वही हमारे जीवन की सार्थकता है। और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षों को उगाना चाहिए, क्योंकि हमारे साहित्य में उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अगर आप एक वृक्ष काटेंगे तो आप उसकी जगह 10 वृक्ष लगाएंगे। ये हमारे गुरुओं का ये महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि 18 व 25 जुलाई तथा 1 व 8 अगस्त को सोमवार पड़ेगा। 12 अगस्त को सावन माह का समापन होगा। आपको बता दें कि महादेव झारखंडी सहित प्रमुख शिवालयों में सावन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इन मंदिरों में पुरुष एवं महिलाओं श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में महादेव झारखंडी शिव मंदिर के पुजारी शंभुगिरी ने बताया कि 1928 से पहले इस मंदिर के आसपास जंगल के अलावा कुछ नहीं था। भोलेनाथ की उत्पत्ति के बाद भोलेनाथ की आस्था में लोग दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं। इस मंदिर में जिसकी जो भी मांगे होती हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं व किसी को निराश नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से चैत्र रामनवमी का बहुत महत्व होता है, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ के सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। पूरे सावन भर पूरे विश्व में जहाँ भी इनका शिवलिंग स्थान है, लोग अपनी आस्था जताने के लिए काफ़ी दूर दूर से कावन में गंगा जल चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। भगवान शिव को जल, फूल, बेलपत्र, दूध, चावल, चंदन चढ़ाया जाता है। भांग, धतूरा और बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत पसंद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महादेव झारखंडी शिव मंदिर के पुजारी शंभुगिरी ने कहा। झारखंडीश्वर महादेवाय नमः। बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल,
एक मिनट बंटी तोड़िए उसका धरती, देखिए तोड़ दिन छोड़ा गया है, वहाँ सुबह पढ़ते रहिए और मन की इच्छा प्रकट करते रहिए कि महादेव जी मुझे भी एक गुरुवार वंदना मृत्यु और मुख्य मृता दोहर भ्रह प्रचोदयात। हाँ फुल का माला बा मदार के, मदार का माला होगा, आराम से पहनाइए महादेव जी कल झपुल श्वेत मंदार पुष्पमाल्याम समर्पयामि श्री श्याम सदाशिवाय नमः। और फूल भी चढ़वा दीजिए, मैं महादेव झारखंडी शिव मंदिर का पुजारी शंभुगिरी बोल रहे हैं। यहाँ जो है पहले कुछ नहीं था, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है, जो भोलेनाथ जिनके आस्था में लोग दूर दूर से आते हैं, इनकी उत्पत्ति 1928 के आसपास बताई जाती है। लेकिन जो है इनका पूजा जो है ये घना जंगल था, एक घने जंगल होने के नाते पत्तों से ढके रहते थे और इनके बारे में किसी को पता नहीं होता था। ये जो है ज़मीन जो है वह पुरुषोत्तम दास रहीश का है। इनके घर में सपना हुआ कि हम तुम्हारे रियासत में हैं, हमारा एक छोटा सा अर्घा बनवा के महादेव झारखंडी के नाम से शिवरात्रि के दिन मेला लगवा दिया करना। यह परंपरा 1945 के बाद से शुरू हुई है और यहाँ जो जो आबादी बढ़ रही है तो यहाँ की हर चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं और आस्था होने के नाते काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यह जागृत स्थान है, यहाँ जो भी आते हैं जिसकी जो मांगे होती है भोलेनाथ उसकी आस्था को पूरा करते हैं, वो निराश नहीं जाता है। क्या महत्व होता है सावन का? सावन का महत्व है ये कि विशेष जैसे चैतरा नवमी का महत्व होता है, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ का जो है सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए पूरा महीना सावन का हर जगह देवालयों में जहाँ भी शिव मंदिर है वहाँ पर इनकी आस्था जताने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से कांवर में गंगा जल लेकर के आते हैं चढ़ाने के लिए। स्थानीय लोग जो हैं ये लोग जो है अपना प्रतिदिन ही पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए जल फूल बेलपत्र यही सब इनको चढ़ाया जाता है, भांग धतूरा और बेलपत्र इनको विशेष प्रिय है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाया रोट का महाप्रसाद सभी देव प्रतिमाओं और ब्रह्मलीन नाथ योगियों की समाधि पर। सीएम योगी ने किया पूजन, शुभकामना संदेश में कहा सब ले अपने गुरु का आशीर्वाद, वितरित हुआ महाप्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार, 150 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल हुए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संतों का सम्मान, कहा अवसर को अनुकूल बनाकर चलने पर मिलती है सफलता, जो अच्छा सोच नहीं सकते वो अच्छा कर भी नहीं सकते, युगांतकारी घटना से जुड़कर प्रेरणा देते हैं सनातन संस्कृति के पर्व त्योहार।
गुरुवार को कोटेदारों को सीएससी के रूप में सक्षम बनाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित होगी एमओयू। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कोटेदारों संग संवाद करेंगे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा महानगर इकाई द्वारा प्राचीन हनुमान मंदिर में संतों को माला एवं पटका पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर किया गया सम्मानित। कहा, सनातन संस्कृति के गौरव का दिन है गुरु पूर्णिमा का पर्व। धार्मिक स्थलों व परंपरा के संवाहक धरोहरों का हो रहा है विकास। 6,01,00,000 की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। दो शातिरवान चोरों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 3 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। श्रावण पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग गोरखपुर से अयोध्या के लिए चलाएगा 10 बस। बढ़लगंज देवरिया पिपराइज के लिए भी चलेगी अनुबंधित बसें। परिवहन विभाग के एआरएम ने दी जानकारी। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, गुरु और वृक्ष दोनों देते हैं जीवन और छाया। और महादेव झारखंडी शिव मंदिर में 14 जुलाई को शुरू हो रहे श्रावण मास की तैयारियां हुई पूरी। पुजारी शंभु गिरी ने कहा, भोलेनाथ के आस्था में लोग दूर दूर से चढ़ाने आते हैं जल, नहीं करते हैं निराश भोलेनाथ, सबकी पूरी करते हैं मनोकामना। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।